हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉन कल्चर के बारे में। प्रॉन कल्चर क्रस्टेशियंस फिशरीज के अंदर आता है। क्रस्टेशियंस फिशरीज के अंदर प्रॉन्स, लोबस्टर्स एंड क्रैब्स इंक्लूड होते हैं। तो प्रॉन कल्चर कैसे होता है, ये प्रॉन कल्चर फ्रेश वाटर के अंदर कैसे होता है, ब्रैकिश वाटर के अंदर कैसे होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो प्रॉन कल्चर के अंदर ये हम दो मेथड से डिस्कस करेंगे, एक तो ये फ्रेश वाटर के अंदर एंड एक ये ब्रैकिश वाटर के अंदर कैसे कल्चर होता है। तो प्रॉन कल्चर अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो यहाँ पे स्पीसीज जैसे कि मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी जो है, ये स्पीसीज स्पीसीज कल्चर की जाती है। इसको पॉन्ड से कलेक्ट किया जाता है रिवर से एंड देन इसको फ्रेश वाटर पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद इसके अंदर स्पॉनिंग होती है। स्पॉनिंग जो है ये स्पेशली परफॉर्म्ड टैंक्स ऑफ, और ये जो है टैंक का साइज दिया हुआ है यहाँ पे 200 to 300 x 50 x 2.5 सेंटीमीटर इन साइज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिग एक्वेरिया होता है उसके अंदर इनको लाया जाता है। फिर फुली मेच्योर मेल एंड फीमेल को वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। फुली मेच्योर मेल एंड फीमेल प्रॉन को वहाँ पे रखा जाता है, फिर इनके बीच में मेटिंग होती है। फीमेल प्रॉन लेज एग्स अबाउट 24 आवर्स आफ्टर मेटिंग एंड इसके 24 आवर्स के बाद मेटिंग के जो फीमेल प्रॉन है वो क्या करती है, एग्स ले करती है। टैंक शुड बी प्रॉपरली एरेटेड एंड क्लीन। एंड ये जो टैंक्स हैं जिनके अंदर इनको रखा जा रहा है, जिनके अंदर स्पॉनिंग हो रही है, ये प्रॉपरली एरेटेड और क्लीन होने चाहिए। स्पॉनिंग के बाद यहाँ पे हैचिंग एंड डेवलपमेंट होगी। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एग्स के लिए सी वाटर शुड बी मिक्सेस विद द फ्रेश वाटर, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसको ब्रैकिश वाटर बना दिया जाता है। एग्स जो है फिर हैच इनटू लार्वे, ठीक है। सबसे पहले एग्स थे, एग्स क्या हुए, हैच हुए लार्वे के अंदर एंड लार्वे आर ट्रांसफर टू अदर टैंक्स। अब इन लार्वे को दूसरे टैंक्स के अंदर, ठीक है, अदर टैंक्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, दूसरे टैंक्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड इन टैंक्स का जो टेम्परेचर होता है, जिनके अंदर इनको ट्रांसफर किया है, इन टैंक्स का टेम्परेचर रखा जाता है 24 to 30 degrees Celsius एंड इनकी पीएच अराउंड 7 रखी जाती है, ठीक है। पीएच अराउंड 7 रखी जाती है एंड टेम्परेचर 24 to 30 degrees Celsius रखा जाता है। इसके बाद हैचिंग के 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लार्वे थे, ठीक है, लार्वे एग्स लार्वे के अंदर हैच हुए, फिर जो ये लार्वे है ये क्या कर देंगे, विद इन 2 to 3 days के अंदर फीडिंग स्टार्ट कर देंगे। फीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, लार्वे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अब इन लार्वे के अंदर क्या होगी, नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर जो इन लार्वे को क्या कर देगा, अडल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये लार्वे जो है मेटामॉर्फोसिस के अंदर को जाएंगे एंड यहाँ पे 2 molts होती है, ठीक है, 2 बार यहाँ पे मोल्ट होंगी एंड ये एक 5 centimeter लेंथ का एक जो है ये बन जाएगा, ठीक है, 5 centimeter का अडल्ट ये बन जाएगा। तो एग्स थे पहले, ठीक है, पहले तो मीटिंग हुई एक एक्वेरिया के अंदर, मीटिंग के बाद 24 आवर्स के बाद एग्स वहाँ से फीमेल ने ले किए, उन एग्स को फिर ट्रांसफ़र किया गया एंड फिर उनसे एग हैच हुए लार्वे के अंदर, इन लार्वे को दूसरे टैंक्स के अंदर ट्रांसफ़र किया गया जिनका टेम्परेचर 24 to 30 degrees Celsius एंड पीएच अराउंड 7 होती है। अब यहाँ पे ये लार्वे फीड करना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर 2 to 3 days ऑफ हैचिंग। इसके बाद मेटामॉर्फोसिस होती है एंड 2 molts के अंडर बॉय जाते हैं एंड अबाउट 5 centimeter लेंथ में ये बढ़ जाते हैं। इसके बाद लार्वे जो है कैन बी ट्रांसफर टू द फ्रेश वाटर पॉन्ड और स्लाइटली ब्रैकिश वाटर एट 22 to 32 degrees Celsius और टू द आर्टिफिशियल पॉन्ड। अब जो लार्वे थे जिनका लेंथ 5 centimeter यहाँ पे हो गया था, उन लार्वे को फिर से एक नए पॉन्ड के अंदर, एक नए फ्रेश वाटर पॉन्ड या फिर एक आर्टिफिशियल पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड इस पॉन्ड का टेम्परेचर 22 to 30 degrees Celsius होता है। इसके बाद इसको नेचुरली फीड करवाया जाता है, नेचुरल फूड दिया जाता है इन प्रॉन्स को, जिसके अंदर काउडंग एंड अर्थवर्म, स्मॉल इंसेक्ट्स, स्पॉइल पैटी एंड फ्रोजन फूड्स इंक्लूड होते हैं। प्रॉन्स कैन ग्रो अप टू 20 to 22 centimeter इन लेंथ एंड अबाउट 100 grams इन वेट इन 6 months। अब नेक्स्ट 6 months के अंदर ये क्या करेंगे, ये 22 to 22 centimeter लेंथ के अंदर एंड अबाउट 100 grams वेट के अंदर ये बढ़ जाएंगे।
ये फ्रेश वाटर के अंदर होता है, ठीक है। सबसे पहले स्पोनिंग होगी, फिर हेचिंग एंड डेवलपमेंट होगी। इसके बाद उनको वो क्या करेंगे, धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देंगे एंड वो क्या हो जाएंगे, लेंथ के अंदर बढ़ जाएंगे। फिर इनको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉन कल्चर इन ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर के अंदर, प्रॉन कल्चर के अंदर यहाँ पे स्पीसीज ली जाती है, जैसे कि यहाँ पे एक स्पीसीज होती है पैनियस मोनोडोन एंड पैनियस इंडिकस। तो ये दो स्पीसीज यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं। ब्रैकिश वाटर कल्चर के अंदर मेन स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले तो साइट का कलेक्शन किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे कल्चर करना है उस साइट का कलेक्शन किया जाएगा। फिर ब्रूड्स का कलेक्शन किया जाता है। अब इनके बीच में क्या होगा, इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है कल्चर साइट के ऊपर। कल्चर साइट के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद इनके अंदर मेटिंग एंड स्पोनिंग होगी, देन हेचिंग एंड डेवलपमेंट होगी। तो ये स्टेप्स होंगे यहाँ पे ब्रैकिश वाटर के अंदर, कल्चर के अंदर। तो सबसे फर्स्ट कि कैसे हम साइट का सिलेक्शन कर सकते हैं कि वहाँ पे कल्चर करना चाहिए इन ब्रैकिश वाटर प्रॉन्स को। तो साइट सिलेक्शन के लिए कि ये एक तो शुड बी अवे फ्रॉम द बीच, बीच से दूर हो, एंड शुड बी ऑफ रेगुलर शेप, रेगुलर शेप का हो, एंड इवन बॉटम एंड हैव ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ वाटर लेवल। तो इवन बॉटम होना चाहिए, ठीक है, नीचे से इसका इवन बॉटम होना चाहिए एंड ऑलमोस्ट सेम वाटर लेवल इसका होना चाहिए। तो मोस्ट स्टेबल लोकेशन जो है अलोंग टाइडल फ्लैट्स एंड मार्श लैंड्स नियर द ब्रैकिश वाटर इसेचरीज। ब्रैकिश वाटर इसेचरीज के पास जो टाइडल फ्लैट्स एंड मार्श लैंड्स हैं वो एक मोस्ट स्टेबल लोकेशन इनके कल्चर के लिए हो सकती है। नेक्स्ट ब्रूड्स की कलेक्शन की जाएगी। जो भी मैच्योर पेयर ऑफ प्रॉन्स है उनको कलेक्ट किया जाएगा सी से एंड इनको कल्चर साइट के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद मेटिंग एंड स्पोनिंग होगी इनके बीच में, ठीक है। जो मैच्योर प्रॉन्स है उनको कलेक्ट किया एंड फिर उसको एक कल्चर साइट के ऊपर छोड़ दिया गया। अब वहाँ पे जो ब्रूडर्स हैं कैप्ट वन पेयर इन ईच लार्ज पोंड ऑफ अबाउट 250 लीटर कैपेसिटी। अब एक पोंड होगा, एक लार्ज पोंड होगा जिसकी वाटर कैपेसिटी 250 लीटर की होगी, उसमें से क्या कर दिया जाता है, एक पेयर ऑफ ब्रूडर्स को छोड़ दिया जाता है, यानी कि एक पेयर ऑफ मैच्योर प्रॉन्स को छोड़ दिया जाता है। अब इनके बीच में मेटिंग होगी, तो मेटिंग टेक प्लेस एंड एग्स आर लेड बाय द फीमेल। फीमेल्स एग ले करेगी एंड कॉपुलेशन टेक प्लेस। अलग अलग स्पीसीज के अंदर कॉपुलेशन का टाइम अलग होता है, जैसे कि पेनियस जैपोनिकस के अंदर 3 to 4 मिनट्स ही होता है कॉपुलेशन टाइम, एंड पेनियस मोनोडोन के अंदर ये 18 मिनट्स तक हो सकता है। मेटिंग एंड स्पोनिंग के बाद यहाँ पे एग्स जो है वो ले कर दिए जाते हैं। अब इनकी हेचिंग होगी, देन डिवेलपमेंट होगी। एग्स को क्या कर दिया जाता है, एग्स आर रिलीज इन वाटर एंड मेल्स ऑल्सो रिलीज स्पर्मेटोफोर्स, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यहाँ पे होगी। तो फीमेल क्या करेगी, एग्स को रिलीज कर देगी, मेल्स स्पर्मेटोफोर्स को रिलीज कर देंगे। अब ये वाटर के अंदर रिलीज हो चुके हैं, वाटर के अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, बाहर बॉडी के बाहर होगी, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। अब जो फर्टिलाइज एग है वो सेटल एट द बॉटम। अब ये क्या करेंगे, बॉटम के अंदर सेटल हो जाएंगे। लाइक हमने पहले ही देखा था कि एक इवन बॉटम इनका होना चाहिए सरफेस का, पोंड का या फिर जो कल्चर साइट है। तो ये क्या, क्योंकि ये बॉटम के ऊपर सेटल हो जाते हैं एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स, एंड हेचिंग अकर्स आफ्टर 8 to 9 hours एंड 8 से 9 घंटे बाद इनकी हेचिंग स्टार्ट हो जाती है एंड यहाँ पर इन एग्स से नेपुलस लार्वा बनता है। अब ये जो लार्वा है ये मेटामॉर्फोसिस के अंडरगो जाएगा ताकि ये अडल्ट के अंदर चेंज हो सके। अब मेटामॉर्फोसिस के ड्यूरिंग द टेम्परेचर शुड बी अराउंड 25 to 29 degrees Celsius। वाटर शुड बी क्लियर एंड सिमिलर टू सी वाटर, एंड वाटर जो है वो क्लियर होना चाहिए एंड वो सी वाटर जैसा ही होना चाहिए, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन है। इट शुड बी हैव 28 to 30% सैलिनिटी इसके अंदर होनी चाहिए। द पीएच ऑफ वाटर शुड बी अराउंड 8%, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए ये। द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल शुड बी 5 to 9.2 ppm ये होनी चाहिए। एंड लार्वल डिवेलपमेंट शुड बी टेक प्लेस इन डार्कनेस। जो लार्वल डिवेलपमेंट है वो क्या होगी, डार्कनेस के अंदर, वो यानी कि अंधेरे के अंदर ये होगी। तो ये सारे स्टेप्स जो है ये यहाँ पे इसकी हेचिंग एंड डेवलपमेंट कर देते हैं। सबसे पहले साइट का सिलेक्शन किया, देन ब्रूड्स की कलेक्शन की, सी से उनको क्या कर दिया गया, जो भी कल्चर साइट है उनके ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया।
अब कल्चर साइट के ऊपर क्या होगा, उनको मेटिंग हर एक पोंड के अंदर, जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 250 लीटर होगी, उसके अंदर एक पोंड के अंदर, एक लार्ज पोंड के अंदर एक एक पेयर ऑफ प्रॉन्स को छोड़ दिया जाता है, उनके बीच में मेटिंग होगी, फीमेल एग्स रिलीज करेगी, मेल स्पर्मेटोफोर्स रिलीज करेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, जिसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम के ऊपर, एंड देन उनके अंदर हेचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हेचिंग स्टार्ट होने के बाद, और हेचिंग जो है ये अबाउट 8 to 9 hours के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद नेपुलस लार्वा फॉर्म होगा, ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस के अंडर गो जाएगा एंड ये अडल्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है ब्रैकिस वाटर के अंदर कल्चर किया जाता है प्रॉन्स का। इसके बाद नेचुरल फूड क्या हो सकता है प्रॉन्स के अंदर, प्रॉन्स जो है ओमनीवोरस होते हैं। टू प्रोवाइड नेचुरल फूड्स टू प्रॉन, वाटर बॉडी शुड हैव वर्म्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल वेस्ट फिशेस, डेब्रिस ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रेन एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेचुरल फूड जो है प्रॉन का, वो प्रोवाइड करवाने के लिए वो जो वाटर बॉडी, जो पॉन्ड है जिसके अंदर वो रियर हो रहे हैं, पल रहे हैं, उसके अंदर वर्म्स होने चाहिए, इंसेक्ट्स होने चाहिए, स्मॉल फिशेस होनी चाहिए, डेब्रिस ऑफ फ्रूट्स या फिर ग्रेन्स यहाँ पे होना चाहिए। अब इन फूड स्पीसीज की प्रॉपर ग्रोथ के लिए काउ डंग एंड लाइम यहाँ पे वाटर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। ब्रैकिस वाटर सीवीड्स, कॉपीपोड्स, डेकापोड्स, मोल्यूस्क, हाइड्रोइड्स, निमेटोड्स में भी एडिडेड। ब्रैकिस वाटर के अंदर ये सब जो है चीज़ें भी ऐड की जा सकती है, जैसे कि सीवीड्स हो गई, कॉपीपोड्स हो गए, डेकापोड्स हो गए, मोल्यूस्क, हाइड्रोइड्स, निमेटोड्स, एंड जैसे कि यहाँ पे और स्पीसीज की बात करें, जैसे कि एक ब्रैकिस वाटर स्पीसीज, स्पेनियस स्पीसीज की बात करें, प्रेफर वेरिंग वेराइटी ऑफ फूड मटेरियल, जैसे कि क्रस्टेशियंस, वेजिटेबल मैटर एंड डेट्राइटस। इसके अलावा मैक्रोब्रैंकियम स्पीसीज जो है, ये स्मॉल इंसेक्ट्स, मोलस्कंस, एल्गी, मेराइन ब्रायोफाइट्स, सी वीड्स को प्रेफर करती है। तो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग टाइप के फूड को प्रेफर करती है। इसके बाद प्रॉन की हार्वेस्टिंग की जाती है, वो डिवेल्प हो जाते हैं एंड प्रॉन को हार्वेस्ट कर लिया जाता है कल्टीवेटेड पार्ट्स से, एंड इज परफॉर्म बाय यूज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ गियर्स, जैसे कि कास्ट नेट, ड्रैग नेट, ट्रोल्स एंड बैरियर नेट्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। टू कैप्चर प्रॉन्स फ्रॉम सी वाटर, अब सी वाटर से जो कैप्चर किए जाते हैं उनके लिए बोट्स, जैसे कि मसूला, मछुआ, इन सभी बोट्स का यूज किया जाता है, और बोट्स के साथ यहाँ पे कास्ट, ड्रैग एंड ट्रोल्स एंड बैरियर नेट्स का यूज किया जाता है। तो इस वे में प्रॉन्स की फिर हार्वेस्टिंग की जाती है एंड देन उनको जो है उनको मार्केट के अंदर लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे हमने प्रॉन कल्चर इन फ्रेश वाटर एंड प्रॉन कल्चर इन ब्रैकिस वाटर के बारे में डिस्कस कर लिया है। अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे पर्ल कल्चर के बारे में, फिर पर्ल फिशरीज के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।